पहले डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें सब्सक्राइब करिए हमारी प्रीमियम सर्विस शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप हमें मेल करें व्हाट्सएप करें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं डिस्क्रिप्शन में जाएं रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंत एक्टिवेट कर लें सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल को जिससे कि स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज आपको मिल सके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अगर आप भी YouTube चैनल क्रिएट करके अर्न करना चाहते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम की हेल्प ले सकते हैं यह बिल्कुल फ्री है एडवर्टाइजमेंट Advertis, करें अपने प्रोडक्ट और सर्विस का हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और अपना बिजनेस ग्रो करें यह बिल्कुल फ्री है हमें तुरंत संपर्क करें आज हम आपको एजिस लॉजिस्टिक कंपनी लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कंपनी का कारोबार कैसा है यह क्या काम करती है क्या बिजनेस मॉडल है इसका क्या आपको इसके शेयर्स ख़रीदने चाहिए क्या टारगेट मिलेंगे कब तक होल्ड करना पड़ेगा कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कैसे हैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को स्किप ना करें आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें इससे नुकसान हो सकता है और अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं वहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के हजारों वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं सभी कंपनीज या सभी स्टॉक्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं उनको देखिए और आसानी से सीखिए कभी भी जब भी आपको समय मिले एजिस लॉजिस्टिक कंपनी जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक कंपनी जो हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो एजिस लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल डीजल क्रोसिन का परिवहन करती है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती है अपने लॉजिस्टिक माध्यम से तो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे देखिए इनके पास भारी मात्रा में ट्रक्स होते हैं जो कि गैस पेट्रोल डीजल का परिवहन करते हैं इस तरह के लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सभी कंपनियों जैसे कि एच भारत पेट्रोलियम एच गैस का परिवहन करते हैं एजिस लॉजिस्टिक का ऑफिस आपके सामने है ये एलपीजी एलपीजी पी किड्स फ्री एयर जैसे सुविधाएं देते हैं तो ये लॉजिस्टिक्स आप सुविधाएं देते हैं लिक्विड के लिए लिक्विड लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते हैं गैस लॉजिस्टिक्स ईपीसी सर्विसेज देते हैं रिटेल एल का कारोबार भी करते हैं और मार्इन में भी अपनी सेवाएं देते हैं तो लिक्विड लॉजिस्टिक के बारे में आपको हम बताएंगे लिक्विड लॉजिस्टिक्स में ये पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करते हैं एजिस ग्रुप ओन्स एंड अ नेटवर्क ऑफ सोर बेस्ड टैंक फार्म इंस्टॉलेशंस फॉर द रिसिप्ट एंड हैंडलिंग ऑफ बल्क तो बल्क लुक का मैनेजमेंट करते हैं गैस लॉजिस्टिक्स देखिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं गैस को स्टोर करने के लिए और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईपीसी सर्विस भी देते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स लॉन्च इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विस डिविजन ऑफ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग इन ऑयल एंड गैस सेक्टर तो ऑयल एंड गैस गैस सेक्टर्स के लिए आउटसोर्सिंग का काम करते हैं एल की रिटेलिंग करते हैं ये देखिए जिस लॉजिस्टिक जो है बिजनेस में है ये एल गैस की रिटेलिंग करके रिफिलिंग करके सेल करते हैं एल फॉर होम एल फॉर होटल्स एंड इंडस्ट्रीज इस तरह की रिटेलिंग सर्विस भी एजिस लॉजिस्टिक के माध्यम से की जाती है मराइन सर्विस भी देते हैं एजिस लॉन्च्ड लॉन्च इट्स मराइन प्रोडक्ट डिवीजन इन जनवरी 2012। इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी बंकर फ्यूल्स टू सिप कॉलिंग एट इंडियन पोस्ट एंड इट्स कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन इज टू सर्विस द फुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शिप्स इन अ टाइमली इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर बाइलोरिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कन्फर्मिंग टू मारपोल एनएक्स वी आई तो मराइन के लिए ये फूल प्रोवाइड करते हैं जैसे जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनको फूल की आवश्यकता होती है तो एजिस्ट लॉजिस्टिक उनके लिए फिल प्रोवाइड करते हैं चलिए एचएसएस के बारे में भी हम आपको बता देते हैं मीटिंग हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स व्हाइल डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर सर्विस इज अ की पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ एजिस ग्रुप एंड एज डिजाइंड इनटू द मैनेजमेंट प्रोसेसस तो ये हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं और इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो चलिए इस बेहतरीन कंपनी में कैसे निवेश करें हम आपको बताने जा रहे हैं तो आप जाएं ब्रो की वेबसाइट में एज, लॉजिस्टिक के शेयर फाइंड करें ऑयल गैस फील्ड्स में काम करने वाली कंपनी है एक दिन में 4.39 परसेंट गिर चुका है ये स्टॉक वन वीक में 8.84 परसेंट गिर चुका है वन मंथ में 4.07 परसेंट गिर चुका है वन ईयर में 28.65 परसेंट गिर चुका है और थ्री इयर्स में 4.29 पॉइंट परसेंट ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है और फाइव इयर्स में इसने 0.10 परसेंट का रिटर्न दिया है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके चार्ट में ऊपर कभी नीचे तो काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है ये तो आप इसमें इसके सपोर्ट पर आप बाय करके के चल सकते हैं आप देख रहे हैं कि स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हो चुकी है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्टॉक में बाई करें और जब भी इस स्टॉक में एक रैली शुरू होगी तो आप उसमें सेल करके चल सकते हैं तो स्टॉक में जितनी बड़ी गिरावट होती है उसमें आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं चलिए इसका टेक्निकल चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं टेक्निकल चार्ट क्या कहता है ये भी हम आपको बताएंगे क्या इसमें एंट्री करने का ये सही समय है तो ये देखिए स्टॉक ने अपने 200 हंड्रेड एम से नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 एम पर काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेट होता रहा और अंततः इसने 50 एम का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया और काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है सेलिंग प्रेशर है जैसा कि आप वॉल्यूम में देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर अभी भी स्टॉक में है और इसका आर जो है ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है तो स्टॉक में आगे चलकर भी गिरावट हो सकती है लेकिन इसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक आएगा तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो अभी भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते रहें और जब भी जैसे ही स्टॉक में एक बाउंस बैक आएगा उस समय आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस स्टॉक के हम फंडामेंटल्स भी बताने वाले हैं आपको देखिए मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाई ऑर्डर क्वांटिटी 39.61 परसेंट है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी 60.33 परसेंट है तो सेलिंग प्रेशर अभी अभी भी इस स्टॉक में है और आ, बायर्स कम हैं एनालिस्ट क्या कहते हैं इस स्टॉक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं बाई करने के लिए 83 परसेंट एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में बाई करनी चाहिए और होल्ड करने के लिए सेवेंटीन बोल रहे हैं लेकिन कोई भी एनालिस्ट इस स्टॉक में सेल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं सिक्स एनालिस्ट ने इस स्टॉक में रिसर्च की है और ये सभी एनालिस्ट डिफिनेटिव से एग्रीगेट किए गए हैं मार्केट कैप की बात करें तो सेवन थाउजेंड फोर फोर हंड्रेड थर्टी फोर करोर की मिड कैप कंपनी है पी रेशो थर्टी थ्री पॉइंट टू एट है पी बी थ्री पॉइंट एट फोर है इंडस्ट्री पी सेवन पॉइंट नाइन फोर है रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार ट्वेल्व पॉइंट फोर फोर परसेंट की है ई पी एस नाइन पॉइंट थ्री फाइव है और डिविडेंट ईल्ड 1.42 परसेंट की है बुक वैल्यू 60.49 है फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू जो है लगातार इनके नीचे गिर रहे हैं लेकिन दिसंबर में एक अच्छा जंप दिखाई दे रहा है प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है लगातार ग्रो हो रहे हैं नेटवर्थ में भी